सुशांत सिंह राजपूत केस में आविष्करण भंडारी ने डॉक्टर स्वामी से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैंने डॉक्टर स्वामी को कहा है कि आप जो हैं पार्लियामेंट्री मेंबर हैं और स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ के पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, तो आप जो है एम्स ने ये जो गलती की है, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेलेक्टिव लोगों को लीक किया है, उसको लेकर अब एम्स को समन भेजा जाए और उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में ये गलती की है। जाहिर सी बात है, डॉक्टर स्वामी ने भी आज सुबह यही बात कही कि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वो जो हैं इस बात की मांग करेंगे कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टिव मीडिया को इस तरह की लीक क्यों दी, उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया, उनका बयान कुछ दिनों पहले अलग था और बाद में अलग क्यों था। एम्स जो है एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट है, अगर CBI उनको जांच के लिए कहती है कि आप जो है जांच कीजिए, इस बात पे हम बात ही नहीं करते कि एम्स की रिपोर्ट क्या है, लेकिन क्या CBI कोई न्यूज़ लीक कर रही है, क्या CBI वो उनका ये कहना है कि हम जो भी हमारी फाइंडिंग होगी हम कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अलग अलग मीडिया में अलग अलग तरीके की जो बात की, 22 अगस्त को रिपब्लिक को कुछ और बयान दिया, इष्करण से भी वही बात हुई जो उन्होंने रिपब्लिक को दी, इंडिया टुडे को अलग बयान दिया, इंडिया TV को जो है जो बयान था वो अलग था, तो इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव मीडिया में जो लीक हुआ है और जिस तरीके की ये सारी कन्फ्यूजन पैदा हुई है उसको लेकर एम्स को समन किया जाना चाहिए और उन हेल्थ कंसर्न ऑफिसर्स को जो सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े हुए हैं।